असलामुअलैकुम। आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो है सिगरेट्स। अब सिगरेट का टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट, हेल्थ, हर तरह से आपको नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन आप लोग ये बात मानने को तैयार नहीं। आप लोग नहीं, बहुत सारे लोग ये बात मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो लोग चेन स्मोकर होते हैं। तो अब उनको समझाने के लिए ये वीडियो बनानी पड़ रही है। सिगरेट के जो बट्स होते हैं, मतलब जब आप सिगरेट पी लेते हैं, उसकी जो बैक साइड बच जाती है, वो बहुत बड़ा क्या, सबसे बड़ा पोल्यूटेंट है इस दुनिया में इस वक्त। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा लिंक उन चीज़ों का, उस डेटा का, जिसमें ये बताया गया है कि सबसे बड़ा पोल्यूटेंट ये सिगरेट बड्स जो हैं वो हैं। अब ये कैसे हैं पोल्यूटेंट? अब इसके अंदर जो फिल्टर यूज़ होता है ना, जिसको कहते हैं कि भाई ये गैसेस को फिल्टर कर देता है, आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होंगे, ये बना होता है सेलुलोज एसीटेट का। सेलुलोज एसीटेट आपको लग रहा होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन इसको भी डिकम्पोज बायोडिग्रेड होने में 10 साल कम से कम लगते हैं। तो आप सोच लें ये कितने लंबे अरसे तक आपको नुकसान पहुंचाता रहेगा, आपके एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता रहेगा, मैरीन लाइफ को डिस्टर्ब करता रहेगा। अभी मेरीन लाइफ को डिस्टर्ब कैसा करेगा, इसके ऊपर आगे बात करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ, एक साल के अंदर 6 ट्रिलियन 6 खरब सिगरेट्स बनते हैं। तो आप सोच लें ये किस लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और कंजम्पशन भी फिर इतनी ही है, क्योंकि लोग चेन स्मोकर्स होते हैं, एक दिन में पता नहीं कितने सिगरेट्स पी जाते हैं। और इसमें से 1 मिलियन टन प्लास्टिक निकल रहा है, 6 ट्रिलियन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगरेट से 1 मिलियन टन। 1 मिलियन टन एक बहुत बड़ी तादाद है प्लास्टिक की, जो सिर्फ इसमें से, सिगरेट में से प्रोड्यूस हो रही है। वॉशिंगटन डीसी बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, और वो हर साल बीच क्लीनअप करते हैं। 1987 से लगातार वो बीच क्लीनअप करते हुए आ रहे हैं, और अब तक उनको सिर्फ 60 मिलियन उनको जो सिगरेट यूज सिगरेट्स होती हैं, उनके बड्स होते हैं, जो बैक साइड होती है, सिर्फ 60 मिलियन उनको अभी तक मिले हैं। तो सोचिए और अभी कितने एनवायरनमेंट के अंदर पड़े हुए हैं उनके सिगरेट बड्स, जो डिकम्पोज होने में टाइम लेंगे, और फिर कहते हैं मजीद वो एनवायरनमेंट को डैमेज करते जा रहे हैं। तो उसको साफ़ करने का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये बहुत छोटी चीज़ है, तो इसको ढूंढना, इसको फिल्टर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि सिगरेट का आगाज़ कहाँ से हो। तो पहले तो तंबाकू नोशी तो अभी नहीं, बहुत पहले जो मायन अमेरिकन से, नॉर्थ अमेरिकन से उन्होंने शुरू किया था, ये 600 से 900 एडी के दौरान, ये बहुत पुरानी कहते हैं रवायत है, लेकिन वो लोग ओकेजनली यूज़ करते थे और मेडिकल पर्पज़ के यूज़ करते थे, कोई अच्छा त्यौहार होता था तब वो चीज़ें ये यूज़ करते थे, टोबैको यूज़ जो करते थे वो लोग। लेकिन अब तो ये कहते हैं कि लाइफ स्टाइल बन गया लोगों को, कुछ लोग स्टाइल के लिए पीते हैं, कुछ लोग कहते हैं यार सुकून मिलता है, निकोटीन होता है इसमें फलाना में। लेकिन मैं आपको बता दूं ये किसी भी तरीके से आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, क्योंकि जो आपकी सिगरेट है उसके धुएं के अंदर कम से कम 250 क्या, ये प्रूफ बात है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, 250 केमिकल्स रहते हैं जो ह्यूमन हेल्थ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हैं। 250 केमिकल्स उसके अंदर, हैवी मेटल्स भी हैं, आर्सेनिक भी है, पोलोनियम 210 भी है। और पोलोनियम 210 के बारे में आपको बता दूँ, बड़े बड़े शख्सियात की असैसिनेशन के अंदर इसको भी इस्तेमाल किया था, ऐसा केमिकल है ये कि असैसिनेशन के अंदर ये केमिकल यूज़ हो रहा है जहर देने के तौर पर। तो आप सोचिए कितना ख़तरनाक होगा, लेकिन लोगों को ये बात समझ नहीं आती। अब उन 250 केमिकल्स के अंदर से 69, जो बहुत एक अच्छा नंबर है, 69 जो हैं वो कैंसर कॉजिंग कार्सिनोजेनिक एजेंट्स हैं, केमिकल्स हैं जो आपको कैंसर कर देंगे। अब जो टोबैको फिल्टर्स का ये कहते हैं ना कि ये फिल्टर्स हैं, ये इन ख़तरनाक केमिकल्स को फिल्टर कर देते हैं, इनको अंदर नहीं आने देते हैं, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ ये एक फ्रॉड, ये एक दो नंबर, एक ये मार्केटिंग टैक्टिक्स होती है, मार्केटिंग टूल है, जिसके बिना पे और ज़्यादा सिगरेट को बेचा जा रहा है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कही थी, कह रहे हैं कि भाई ये जो है ये सिर्फ एक मार्केटिंग होती है कि भाई ये फ़िल्टर है, अब इससे सेहत को नुकसान नहीं होगा आपके, आप इसको दनादन पिए कोई मसला नहीं। लेकिन WHO ने ये बात कही है खुद कि ये सिर्फ एक फ्रॉड है, ये सिगरेट बनाने वाली कंपनियाँ फ्रॉड करती हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं दूसरी बात पे, कि जो लोग कहते हैं ना कि यार निकोटीन इसके अंदर होता है सिगरेट के अंदर, ये बहुत सेहत के लिए अच्छा होता है, और ये स्ट्रेस रिलीफ करता है, और बहुत मज़ेदार होता है। तो मैं बता दूं कि अगर सिगरेट के थ्रू अगर आप निकोटीन यूज़ करें, कंज्यूम करें, तो सिगरेट के अंदर कंपनीज अमोनिया भी डालती हैं। क्यों डालती हैं? ताकि वो निकोटीन के इफेक्ट को बूस्ट कर सके। तो आप समझो जो चीज़ गटर में मौजूद है वो आपकी सिगरेट में भी वो डालें, और आप वो पी रहे हैं, और आप कह रहे हैं यार बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे, तो आप खुद सोच लें किस हद तक नुकसान पहुँचा रही होगी। हर किसी को कैंसर नहीं होता है, लोग पूरी ज़िंदगी सिगरेट पीते रहते हैं, उनको कैंसर नहीं होता है, अच्छी खासी ज़िंदगी जी लेते हैं, लेकिन जिसको हो जाता है फिर उसको पता भी चल जाता है कि कितना नुकसानदेह। और आप ज़रूरी नहीं है कि आप पी रहे हैं तो आपको हो, क्योंकि आप जो सिगरेट पी रहे हैं, तो बात ये थी कि जब इन्होंने फ़िल्टर सबसे पहले बनाए, ये 1950s में बने थे जो सिगरेट फिल्टर हैं, सिगरेट तो बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन इसके फिल्टर 1950s के दौर में उन्होंने बनाया कि यार ये जो ख़तरनाक केमिकल्स हैं इसको फ़िल्टर कर दिया जाए, ताकि ये अंदर ना जाएँ, बाहरी स्मोक के अंदर जो सिगरेट का धुआं जो उड़ रहा होता है उसी में निकल जाए।
अब अगर आप ये सोचें टेक्निकली और दिमाग और टेक्निकली क्या कॉमन सेंस की बात है कि आप मुंह के अंदर तो वो केमिकल्स को नहीं ले रहे, लेकिन आप हवा में तो वो केमिकल्स 250 केमिकल्स छोड़ रहे हैं ना, तो क्यों छोड़ रहे हैं, उससे कितने नुकसान हो रहे हैं। अब क्या होता है जब वो फिल्टर्स बने सारे केमिकल्स बाहर रुक गए, और सारे केमिकल्स के साथ निकोटीन भी बाहर ही रुक गई, वो आपके मुंह के अंदर आई नहीं, आपको सिर्फ धुआं मिला थोड़ा सा कि आपको लगा हाँ भाई मैंने सिगरेट पी ली, आपको तसल्ली होगी। फिर कंपनीज ने कहा कि भाई कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, निकोटीन उनको सही से नहीं दस्तियाब हो रहा है एक सिगरेट के थ्रू, तो उन्होंने कहा यार इस फिल्टर को थोड़ा और लो क्वालिटी करो, मतलब इसके होल साइज़ बढ़ाओ ताकि इसमें से निकोटीन एटलीस्ट पास हो जाए, तो निकोटीन के साथ और भी केमिकल्स पास होने लगे। ओवरऑल बात यह है कि जो सिगरेट फिल्टर्स होते हैं वो किसी भी काम के नहीं होते हैं। जो केमिकल्स वो फिल्टर कर भी लेते हैं वो क्या होता है, जब आप उसको फेंक देते हो वो समुद्र में इवेंचुअली पहुंचते हैं, तो वहाँ से उसमें से वो पानी को कंटेमिनेट करते हैं और मछलियाँ मर जाती हैं। एक रिसर्च हुई थी, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, आप लोग भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं घर पे, कि आप एक सिगरेट बट को पानी के अंदर डुबो के रख दें, किसी बाउल के अंदर डुबो के रख दें किसी बर्तन के अंदर, और चार दिन बाद उसको निकाल लें, और अब उस पानी के अंदर एक मछली को डालें, वो मछली मर जाएगी बहुत जल्दी, मतलब एक आध दिन में वो मछली मर जाएगी। तो आप सोचेंगे कितने केमिकल्स उसमें से वो रिलीज़ हो चुके हैं उस पानी में, क्या वो मछली आपने डाली हेल्दी मछली थी वो मर गई, वो कितना ख़तरनाक है आप भी खुद समझ सकते हैं। अपने लिए नहीं दूसरों के लिए ये बात समझ लें कि हेल्थ इश्यूज़ की अगर बात करें तो भाई आप देख लें कि आपका जो बॉडी के अंदर इंसुलिन अडेप्टेशन होती है, कि जब आपको अगर शुगर हो जाए अल्लाह खुदा ना खास्ता, तो जब आप बॉडी के अंदर एक्सटर्नल इंसुलिन डलवा रहे होते हैं तो फिर ये इंसुलिन रेजिस्टेंट कर देता है बॉडी को, इतने इसके अंदर ख़तरनाक केमिकल हैं कि सिगरेट स्मोकिंग से इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है आपकी बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन एक तो प्रोड्यूस नहीं होगी, अगर बाहर से लेना चाहेंगे वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, उसको डैमेज कर देगा। ये बहुत टेक्निकल चीज़ है, मैं इसके सारे लिंक्स आपको शेयर कर दूंगा क्योंकि साइंस डायरेक्ट के सारे रिसर्च पेपर्स भी मौजूद हैं, आप पढ़ सकते हैं। बहरहाल जो ये सिगरेट के बॉक्सेस के ऊपर आप देखते हैं ना कि ये सिगरेट स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ, कॉजेस कैंसर, वो फटे हुए होंठ, और ये फिल्मों से पहले मूवीज से पहले दिखाते हैं कि मुकेश की कहानी, फलाने की कहानी, फलाने को कैंसर हो गया, इसको ये हो गया, इस शहर को ये हुआ क्या, इस तरह के जितने भी ऐड थे ये सारा स्टार्ट हुआ 1964 के अंदर, जब अमेरिका के अंदर एक एक्ट पास हो गया भाई नहीं, अगर आपको सिगरेट बेचना है क्योंकि ये सेहत के लिए ख़राब है तो आप उसके पैक के ऊपर लिख के लगाएंगे कि भाई ये ख़तरनाक है सेहत के लिए, आप अपनी मर्ज़ी से, एक तरह का कंसेंट है कि भाई आपने खुद अपनी विल से ये ख़तरनाक चीज़ ख़रीदी है, तो आप इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं कि एक चीज़ पर लिखा है कि वो जहर है और आप वो जहर ख़रीद रहे हैं। और भी बहुत सारे, मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोग ये समझेंगे यार निकोटीन होता है इससे स्ट्रेस रिलीव होता है, सुकून मिलता है, और कोई तरीका नहीं। सिंपल मैकेनिक्स के अंदर ये कि आप लंबी सांस इनहेल कर रहे होते हो और लंबी सांस एक्सहेल कर रहे होते हो, यही चीज़ मेडिटेशन और योगा में बता रहे होते हैं आपको कि भाई गुस्सा ख़त्म करना है, टेंशन ख़त्म करनी है, लंबी लंबी सांसें लें आपको क्या है सुकून मिलेगा। तो ये वही फिनोमेना है, अगर आप ये 5 मिनट बैठ के इस तरह बगैर सिगरेट फूंके भी अगर आप ये कर लोगे, लंबी लंबी सांसें लो फिर छोड़ो, ये योगा कर लोगे, आपको बहुत बेहतर लगेगा, इसके पीछे साइंस ही है। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस बुरी आदत से अपने आप को दूर करें, इन्वायरमेंट को भी ये नुकसान पहुंचा रहा है, जो वो बेजबान जानवर हैं, आप तो सांस ले रहे हैं आपको पता है चलो ख़तरनाक है जैसे भी है जीना तो है, सूंघ लेते हैं कोई मसला नहीं, सामने वाला अगर सिगरेट पी रहे हैं, बेचारे जो जानवर हैं उनको तो नहीं पता, अब वो कह रहे हैं यार मुझे हो क्या रहा है, मेरी तबीयत क्यों ख़राब हो गई, वो जानवर तो भी वो बता भी नहीं सकता, आपका निकाला हुआ कचरा वो सूंघे जा रहा है, तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा समझें। और एक और चीज़ के जो एस्थमा पेशेंट, अगर आप किसी भी मुल्क के जो परसेंटेज निकालेंगे कि भाई इसमें इतने परसेंट एस्थमा पेशेंट्स हैं, उस परसेंटेज का 25% जो होगा वो चेन स्मोकर होगा लाजमी, तो आप खुद सोच लें कि सिगरेट आपको किन किन तरह से आके अटैक करी। इस तरह की कहानियाँ भी हम सुनते हैं कि एक बंदे को सिगरेट पीने की आदत थी, बहुत सिगरेट पीता था, पूरी जिंदगी सिगरेट पीता रहा, उसको कुछ नहीं हुआ लेकिन उसकी बीवी मर गई कैंसर से, तो उसको फिर बाद में डॉक्टर, इस तरह की कहानी आपने बहुत सुनी, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं आप साइंटिफिक लिहाज से देखें, रिलीजन के लिहाज से देखें, ये कहीं से भी पॉजिटिव चीज़ नहीं है, तो इस चीज़ को छोड़ देना बेहतर है। और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ अपने इन्वायरमेंट की फील्ड के हवाले से, तो मुझे ये लगता है कि अगर कोई शख्स सिगरेट पी रहा है, वो सिगरेट इस्तेमाल करता है, तो उसके मुँह से तो इन्वायरमेंट को बेहतर करने की बात अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि सबसे बड़ा पोल्यूटेंट तो वही दे रहा है इस इन्वायरमेंट को कि भाई लो मैं सिगरेट पी रहा हूँ, ये मेरा है, आप सामने से कहेंगे तुम्हारे पैसे की नहीं पी रहा हूँ, मेरी मर्ज़ी है मैं पी रहा हूँ, मेरी सेहत ख़राब होगी तुम्हें क्या, लेकिन भाई आप पूरे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचा रहे हो। प्लीज़, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, आपको अस्थमा हो रहा है, आपकी हार्ट वेसल्स जो होती हैं वो पतली हो जाती हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और भी बहुत सारे नुकसान हैं जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनते रहते हैं, तो वो बिल्कुल सच हैं। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 अपने आप को सही करें, अपने आप को बेहतर करें, इस एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश करें, एक सिगरेट ही है अगर आप छोड़ देंगे तो दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी, उल्टा दुनिया बस जाएगी। थैंक यू।